हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं नवरात्रि में खाने वाला आलू लच्छा नमकीन बनाने जा रही हूँ। तो ये नमकीन मैं किस तरह से बनाती हूँ तो आप देखिए। वीडियो थोड़ी डल है क्योंकि मेरा मोबाइल सही नहीं था, सो इस बात को आप इग्नोर कीजिएगा। और मैं किस तरह से नमकीन बना रही हूँ उसको देखिए। ये नवरात्रों में व्रतों में खाया जाता है। मैंने इसमें नमक नहीं मिक्स किया है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मखाना लिया है, 100 ग्राम है मखाना है। और यहाँ मूंगफली है, किशमिश है, और आलू को मैंने अच्छे से धुल के घिस के उसको धुल के रख दिया है तलने के लिए। यहाँ पे गाइस मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में गर्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें तेल डालूँगी और जब तेल डालूँगी तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। और अगर आप चाहते हैं घी में बनाना तो आप घी में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने तेल यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेंगे, चाहे घी लीजिए चाहे तेल लीजिए, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिए क्योंकि आलू को उसमें अच्छी तरह से तलना है, उनके लच्छों को एकदम क्रिस्पी बनाना है, तो हमें थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं। बिना गर्म तेल में मत ऐड कीजिएगा, मत डालिएगा, वरना कढ़ाई में आलू चिपकने लगेगा। इसके लिए पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए ऊपर तैरने लगा है। तो अब हम इसमें आलू के लच्छे डालेंगे। तो गाइस, ये वीडियो कैसी है बताइएगा आप। ये नमकीन को नवरात्रों में स्पेशली बनाया जाता है। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन करता है नमकीन टाइप में तो आप इसको घर पे नवरात्रों में बना के खा सकते हो, व्रत में फास्ट में खा सकते हो इसको बना के। मैंने इसमें नमक नहीं दिखाया है क्योंकि मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, मैं बिना नमक का बनाने वाली हूँ। मैं नमक यूज़ नहीं करती नवरात्रों में। सो अब ये आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, तल जाए, क्रिस्पी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बाकी सारी चीज़ों को तल के निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस आलू को मैंने डाला तलने के लिए, देखिए बहुत क्रिस्पी तरीके से पक गया है। वो बहुत अच्छे, जैसे भुजिया नमकीन होती है ना आलू की, वैसे हो चुकी है, बहुत अच्छे से बनी है। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा। और चलिए, अब मैं धीरे धीरे सारे मसालों को तल के निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से सब बन चुका है। मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है। और आप अगर आप चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसे बना बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी है नहीं अच्छी है फिर भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी वीडियो को।